जी। तो फिर बोलो, मैं जो भी कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैं सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। क्या तुम्हें और मलिक जुबैर को मीरब ने मिलाया था एक दूसरे से? वकास, ये क्या हो रहा है? चिरा, चिरा है ये। मरियम, तुम मेरी तरफ देखकर जवाब दो और किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मीरम ने नहीं मिलवाया था। तुम और मलिक जुबैर कब से रास्ते में हो? वकास, मुझे ये सब बहुत नागवार गुजर रहा है। मेरी बेटी कल से होश में नहीं आई, मुझे भी नागवार गुजर रहा है। तरह रात को उसे घर से निकाल बाहर करना। बोलो मरियम, जवाब दो। 8 महीने से। मीरब को कैसे पता चला? मलिक सुबह मुझसे मिलने आते थे घर में रात को। कहाँ थी तुम? मरियम। क्या हुआ मरियम? पेपर्स हो रहे ना उसके, तो वो एक फीका पूछने के गई थी। पेपर्स हो रहे हैं ना उसके, ऐसा कहते हैं कि हम लोग कॉफी बनाने चलते हैं। मरियम की कॉफी? वो तो सो गई होगी। सो गई होगी? अभी तो तुमने कहा कि वो पढ़ रही है। उसने कॉफी के लिए मना कर दिया था। कहाँ रह गई थी तुम? मैं मरियम के पास चली गई थी। मरियम के पास क्यों? बताने के लिए कि वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। तुम्हारा साथ मीरब ने क्यों दिया? क्योंकि मैंने ही वादा लिया था मीरब से। कैसा वादा? जरा खुलकर बताओ। मैं जानती थी कि मेरी और अनस की शादी होना मुमकिन नहीं है। अनस? जी, तब मैं नहीं जानती थी कि मलिक जुबैर अनस है। उसने मुझे यही बताया था कि उसका नाम अनस। फिर क्या हुआ? बोलो। फिर एक रात जब मैं भाग रही थी तो बस। जज साहब प्लीज। मुर्तसिम खान तुम्हारा फैसला मीरब को नहीं बचा सकता। आज मैं उसे और उसके किरदार को बचाने के लिए आया हूं, तो आज सुन लो। तुम भागकर जा रही थी और तुम्हें किसने रोका?
नीरव ने। क्या तुम्हें मीरब ने कभी भागने पर उकसाया, बहकाया? कभी नहीं, उन्होंने हमेशा मना किया। तो फिर मैंने मीरब से वादा लिया था वो मेरी और अनस की शादी को मुमकिन करे। और बताओ फिर क्या हुआ? पर मीरब ने बहुत कोशिश की, सबसे बात की, जो भी मुमकिन हो सका उन्होंने किया, लेकिन ये मुमकिन ना हुआ। प्लीज, उसने मुझे हमराज बनाया, इस बात को आम मत करो, उसने मुझ पर भरोसा किया। ठीक है, तो फिर बात खत्म। ना तुमने मुझे कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना। उसकी शादी इस महीने के आखिर में नौरे से होगी। जिससे मैं एक दफा उस लड़के से मिल तो लो तुम। मिल चुका हूँ, नौरे से बहुत अच्छा लड़का है। बस मेरा, और प्लीज इस सारे मामले से दूर रहो। मैं किसी को भी किसी किस्म की कोई सफाई पेश नहीं करूंगा। फिर मैंने भागने का फैसला लिया। तो आखिर में जाकर मीरब ने तुमसे ये कहा होगा कि तुम भाग जाओ? बिल्कुल भी नहीं। मीरब तो मुझे आखिरी वक्त तक रोकती रही। मतलब ये कि अगर मीरब ना होती तो तब भी तुम भागती? इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मरियम, मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। मतलब ये कि अगर मीरब तुम्हारा साथ ना देती तो भी क्या तुम भागती? जी। ना तुम मलिक जुबैर को जानती थी, ना मीरब, ना तुमने उसे देखा था और ना मीरब ने। मलिक जुबैर ने तुम्हें ट्रैप किया जानबूझकर। ताकि मुर्तसिम खान से दुश्मनी का बदला ले सके। अच्छा, तुम्हारी अनवर से बात हुई क्या? जी, जुबैर गिरफ्तार है, पुलिस सवाल जवाब कर रही है। बहुत अच्छा हुआ, मलिक जुबैर जल्द अपने अंजाम को पहुंचेगा। एक और बात बताइए अनवर चचा ने, जुबैर ने गिरफ्तारी से पहले धमकी दी है। धमकी? क्या क्या मतलब? कि वो बदला इस घर से लेगा। अल्लाह ना करे,